नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं, दहाड़ का वक्त हो चला है। सियासत और विवाद के बीच शायद चोली दामन का साथ है और इसका जीता जागता सबूत है शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर का इस्तेमाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के वीडियो संदेश पर राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ और इस वीडियो में सुनीता केजरीवाल के पीछे दीवार पर शहीद भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर के बीच अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगी थी। बीजेपी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए सीएम केजरीवाल की पत्नी पर भी निशाना साधा, जहां पर एक तरफ बीजेपी ने सुनीता केजरीवाल की तस्वीर इस्तेमाल करने पर सवाल उठाए तो दूसरी तरफ शहीद भगत सिंह के पोते यादवेंद्र सिंह इसको लेकर नाराज नजर आए। उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी वीडियो को देखकर दुख व्यक्त किया, अफसोस व्यक्त किया। आज इसी पर करेंगे चर्चा, किस तरीके से सोच समझकर आम आदमी पार्टी ने इस फ्रेम को सेट कर दिया है और इसके साथ ही क्या संदेश देना चाहती है। शहीद भगत सिंह के पोते और इसके साथ ही शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के प्रेसिडेंट यादवेंद्र सिंह सुनीता केजरीवाल के वीडियो संदेश से नाराज हैं। सबसे पहले क्या कहना है उनका, आपको वो सुनवा देते हैं। वीडियो के अंदर भगत सिंह जी और बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ अरविंद केजरीवाल जी का फोटो लगाया गया था बीच के अंदर और उनकी तुलना शहीद आजम भगत सिंह जी और अंबेडकर जी से करने का प्रयास किया गया, जो देख के बहुत बुरा लगा, बहुत गलत लगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी को इस तरह से नहीं करना चाहिए और भी और किसी भी राजनेता को भगत सिंह जी या अंबेडकर जी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। अपनी व्यक्तिगत राजनीति अपनी तरह करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर इन महान लोगों के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हम इनके दिखाए हुए रास्तों पर चलने का प्रयास कर सकते हैं। और तो और मुझे पूरे भारतवर्ष से भी बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, काफी सारे भगत सिंह जी के प्रेमी या कह लीजिए बाबा साहब के प्रेमी, उन सबको ये चीज बहुत बुरी लगी देख के कि उनके साथ अरविंद केजरीवाल जी की तुलना की गई है। और इसी बीच में कुछ सवाल हैं, उन्हीं सवालों के साथ दहाड़ की चर्चा की शुरुआत करेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या सियासत के लिए शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों का इस्तेमाल होगा? केजरीवाल को क्रांतिकारी बताकर सच छिपाना चाहती है आम आदमी पार्टी? शहीद भगत सिंह से तुलना अरविंद केजरीवाल और आपका क्या नया दाम है? क्या भगत सिंह अंबेडकर के साथ फोटो लगाकर केजरीवाल को देशभक्त क्रांतिकारी बताने की ये कोशिश है? क्या भगत सिंह और अंबेडकर के साथ फोटो लगाने से केजरीवाल के दाग धुल जाएंगे? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है।